नमस्कार शिक्षक साथियों एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईशांक एजुकेशन में साथियों सभी शिक्षकों द्वारा किए गए ट्रेनिंग जैसे कि एफ एल एंड आई या अन्य कोई छः दिवसीय ट्रेनिंग का डाटा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना है आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस डाटा को हम कैसे अपलोड करेंगे अपलोड करने के लिए गूगल के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है उसमें टाइप करना है ई शिक्षा कोर्स जो ही ई शिक्षा कोर्स टाइप करेंगे जो ई शिक्षा कोर्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको सबसे ऊपर में ही दिख जाएगा इस पर क्या करना है हमको क्लिक कर देना है क्लिक करेंगे जो ही ओपन होगा इसमें टीचर्स आईडी से आपको अपने डाटा अपलोड करनी है इसलिए यहाँ पर टीचर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और इसका जो मैथ का जो प्रॉब्लम दिया हुआ है कैप्चा के रूप में इसको डाल करके साइन इन करेंगे चलिए साइन इन करते हैं फिर देखते हैं यहाँ पर टीचर का आईडी ओपन हो चुका है इसमें क्या करेंगे कि जहाँ पर डैशबोर्ड है इसके बाद स्टूडेंट इनरोलमेंट है आगे जाएंगे तो सबसे अंत में देखेंगे कि यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग करके एक ऑप्शन बना हुआ है इस पर क्लिक कर देना है जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एक थ्री लाइन बना हुआ है इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करेंगे यहाँ पर टीचर डिटेल आपको दिखेगा इस पर क्लिक कर देना है इस टीचर डिटेल पे क्लिक कर देना है क्लिक करेंगे इसके बाद फिर से उस थ्री लाइन पे क्लिक करके इस ऑप्शन को बंद कर देना है ये ऑप्शन बंद हो चुका है अब इसमें यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर व्यू है और फिर ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ऐड करना है तो ऐड करेंगे ऐड करेंगे इसके बाद एकेडमिक सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ पर एकेडमिक ईयर दिया हुआ है तो एकेडमिक ईयर है ये 2024 25 है ये बाय डिफॉल्ट एक ही दिया हुआ है इस ये दूसरा नहीं है यानी कि जो भी दो हजार चौबीस पच्चीस में ट्रेनिंग किए होंगे उन्हीं का केवल यहाँ पर डाटा आपको अपलोड करनी है इसके बाद ट्रेनिंग नेम है तो ट्रेनिंग नाम में चुनना है कि आपका ये कौन सा है एफ एल एन आई सी टी थ्री है कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग है या हाई स्कूल वाला है या सेकेंडरी स्कूल वाला है यानी एफ एल एन एन आई सी टी ट्रेनिंग वन टू फाइव है तो यहाँ पर सोशल साइंस ट्रेनिंग छः से आठ जो भी आप ट्रेनिंग किए हुए हैं यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है फिर ट्रेनिंग शेड्यूल है उसको सेलेक्ट करना है तो ये जो ट्रेनिंग शेड्यूल जो है वो है बाईस सात चौबीस से सत्ताईस सात चौबीस वाला जो हम अपलोड कर रहे हैं यानी कि बाईस जुलाई चौबीस वाला तो इसमें आगे जाएंगे बाईस यहाँ पर बाईस जुलाई ये वाला सिलेक्ट करना है क्योंकि हमको इसी वाले डाटा को अपलोड करनी है यहाँ पर क्या करेंगे इस पे सिलेक्ट कर लेंगे इसके बाद ट्रेनिंग सेंटर का नाम चुनने के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो डायरेक्ट पूसा समस्तीपुर का हमको सेलेक्ट करना है क्योंकि वहीं पे इसका ट्रेनिंग हुआ था तो फिर मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया है इसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट है कि यानी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है आप उसको जे फॉर्मेट इसके बाद पी फॉर्मेट में भी इसको अपलोड कर सकते हैं जिसका मैक्सिमम साइज कम से कम दो एम का होना चाहिए उससे ज़्यादा का आप साइज़ यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते हैं चलिए मैंने एक फ़ोटो इसको खींच के रखा हुआ है उस पर उसको क्लिक करना है क्लिक करेंगे यहाँ पर मीडिया पीकर में जाएंगे यहाँ पर नीचे देखेंगे कि वो सर्टिफिकेट मैंने फोटो खींच करके रखा हुआ है लेकिन इनका जो देखेंगे उनका साइज जो है वो सात एम है तो इस साइज़ को थोड़ा क्या करेंगे कम कर लेंगे ए, क्योंकि इतना बड़ा साइज़ आपको नहीं लेगा साइज कैसे कम करनी है इसका इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है जिसको जिसका हम लिंक आपको आई बटन में डाल देंगे आप लोग वहाँ से देख करके इस साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो चलिए हम साइज कम करके फिर इसमें अपलोड करते हैं यहाँ पर मैंने अपने फाइल के साइज़ को कम कर लिया है और उसको सेलेक्ट करने के लिए फिर से क्या करेंगे चूज फाइल पे जाएंगे चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद फिर से मीडिया पिकर में जाएंगे मीडिया पिकर में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरा एक जो सबसे लेटेस्ट ले जो फाइल है आ, वो एक एम से कम है और यही इसका सर्टिफिकेट है इस इसको क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि उस वो वो वाला फाइल जो है वहाँ पर आपको दिख जाएगा इसके बाद फिर क्या करेंगे सबमिट का ऑप्शन नीचे ग्रीन कलर में आ रहा है इस पर क्लिक करना है क्लिक करेंगे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू सबमिट यहाँ पर फिर से क्या करना है इस यस पे क्लिक करना है यस पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपका जो डाटा है वो अपलोड हो जा यहाँ पर देखेंगे कि ट्रेनिंग डिटेल सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है इसको क्लिक करना है इसके बाद फिर देखेंगे कि जो मैंने जमा किया है वो अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है तो उसके लिए यहाँ पर व्यू का ऑप्शन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर एकेडमिक ईयर चौबीस पच्चीस ट्रेनिंग नेम में वही वन टू फाइव एफ एल एन आई सी टी सेलेक्ट करेंगे इसके बाद ट्रेनिंग शेड्यूल में वही बाईस सात चौबीस से बाईस सात यानी बाईस जुलाई दो है चौबीस से सत्ताईस जुलाई चौबीस सेलेक्ट करेंगे ट्रेनिंग टाइप में स्कूल टीचर इसके बाद ट्रेनिंग सेंटर का नाम डाइट पूसा समस्तीपुर है तो वो सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन में डाइट पूसा यहाँ पर डाइट पूछा समस्तीपुर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे इसके बाद फिर सर्च करेंगे सर्च करेंगे तो नीचे देखेंगे कि आपका सारा डिटेल आ चुका है आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन शुभ हो